हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन। हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था सालों से, पहली परीक्षा थी 2014 में, अब आइए 2018 में, 4 सालों का आपका इंतज़ार अब सही में ख़त्म होने वाला है। और कल जैसे ही न्यूज़ आई, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे में खुशी आई कि भाई अब फाइनली वैकेंसी आ गई है। और स्टार्टिंग में सब लोग समझ रहे थे कि सर ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, पर ये फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, RRB के सभी बोर्ड्स की वेबसाइट है, चाहे आप सिकंदराबाद चले जाओ, चाहे चेन्नई चले जाओ, चाहे आप अजमेर का कर लो, चाहे इलाहाबाद का कर लो, वहाँ सब में आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सेम PDF सेम ब्रोशर आ चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस ब्रोशर को, इस नोटिफिकेशन को। और ये मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है इस पूरे फॉर्मेट को, उससे मैं पढ़ पढ़ के आपको चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है रेलवे बोर्ड के सामने रखना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी बात इसमें सुन रहा है रेलवे बोर्ड से, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसमें 70% बच्चे तो ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, जो मतलब ज़्यादा अच्छी इंग्लिश इनकी नहीं है। तो ऐसे में उनको जो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था वो हिंदी में ज़रूर निकालना चाहिए था, ये दोनों लैंग्वेज में निकालना चाहिए था, हिंदी और इंग्लिश में एटलीस्ट निकालना चाहिए था, जिससे कि जो ये कन्फ्यूज़न है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं, आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आपकी कोई आपकी मजबूरी रही होगी, कोई बात नहीं, पर थ्योरी टू प्रैक्टिकल इस पूरी नोटिफिकेशन को लाइन टू लाइन आपको सरल भाषा में, हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। आइए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को समझना। और ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए आप लोग भी, और आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं, इसको वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उसमें हम नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। अभी आप एक काम कीजिए, एक मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और इस वीडियो को देखिए, और बन सके तो आप दो मोबाइल, अगर हो सके आपके पास दो मोबाइल ले लीजिए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक मोबाइल में तो ये जो PDF है इसको आप रखना, ठीक है, और एक मोबाइल में इस वीडियो को आप देख लेना। तो इससे क्या है, जो एक एक लाइन में बताते जा रहा हूँ उसको आप क्लियर होते जाओगे, क्योंकि इसमें आपको ये PDF है और मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम इसमें फॉन्ट रहेगा इसका। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने उसमें देख लीजिए मोबाइल पे उसको, और बाकी जो इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, सभी को आप अपनी कॉपी में उतारते रहें, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बोलूँगा नोट करने के लिए उसको आप ज़रूर नोट करें, और वो जो चीज़ है उसकी हम PDF भी बनाएंगे, सिंपल PDF भी बनाएंगे, तो उसको भी आप बाद में अपने मोबाइल में रख लेना। पर फिलहाल आप कॉपी पेन और दो मोबाइल, हो सके तो दो मोबाइल में इस वीडियो को आप देख लें। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए ये नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का, और डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, और जिसका नंबर क्या है, CEN 01/2018। अब ये पूरा भारत का नक्शा और डिफरेंट जो हमारे बोर्ड्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके, और आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन कैटेगरीज, जिसमें रिक्रूटमेंट किसमें की जा रही है, जो ये नोटिफिकेशन है किसके लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और टेक्नीशियन कैटेगरीज के लिए है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप आइए, तो अब पहले पेज से ही इम्पोर्टेंट डेट्स आने वाली है इसमें, देखिए तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है, आधिकारिक पेपर है, और इसमें जो लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। अब शुरू हो जाओ इम्पोर्टेंट डेटा लिखने का, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑफिशियली इज 3/2/2018, यानी कि 3/5/2018। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात हुई थी कि भाई जो एक पेपर की फोटोकॉपी निकल रही थी, लोग उसको शेयर कर रहे थे,
और वो आज से 3 4 दिन पहले कर रहे थे, आज 3 तारीख है। तो वो क्या था, वो एक्चुअली जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ये होगा कि जो रेलवे वालों ने जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है बाकी न्यूज़पेपर को जो प्रति देते हैं, तो उन्होंने 3 4 दिन पहले प्रति दे दी कि भाई यह आपने 4 5 दिन बाद छापना है। पर जो ये छापा है उससे पहले वो जो आपके दफ्तर से न्यूज़पेपर वालों के दफ्तर से वो चीज़ जो है वो लीक हो गई, और उस कारण से वो आपके व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रही थी, पर वो चीज़ भी सही थी और ये चीज़ भी सही है, और ये ऑफिशियली आप 3/2/2018 को ये निकल चुकी है। ठीक है, अब जो आपने जो समझना है बात वो समझिए। डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग इज 5/3/2018 अप टू 23.59, यानी कि जो ये आवेदन है इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5 अप्रैल या सॉरी 5 मार्च। तो पहली न्यूज़ जो आप इसको लिख लीजिए, पहला न्यूज़ मेरा पहला पॉइंट ये है, इसको समझिए, 5 मार्च 2018 को ये क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन रात के 12 बजे तक, 12 बजे से 1 मिनट पहले। कहने का मतलब है कि आपके पास में 5 मार्च 2018 का समय है, 12 बजे तक आपको ये फॉर्म भरना है, ये वैलिड है एप्लीकेशन, तो उससे पहले आपने भरना ही भरना है, इस बात को ध्यान रखें। आगे ये डेट सरकेगी नहीं सरकेगी, शिफ्ट होगी नहीं होगी, एक अलग चीज़ है, पर अभी फिलहाल के लिए जो बात बता रहा हूँ ये 5 मार्च 2018 के लिए है। तो पहली इन्फॉर्मेशन आप ये लिख लीजिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पे स्टेज मतलब होते हैं चरण, मतलब ये परीक्षा जो है वो 2 चरण और 3 चरण में होगी, मतलब 2 चरण मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो लोको पायलट के लिए तो 3 स्टेज में होगी है, और आपकी जो टेक्नीशियन में है वो मेनली आपके 2 स्टेज में होगी। तो उसकी जो पहली स्टेज है दैट इज कॉमन फॉर बोथ द वैकेंसीज, और जो पहली स्टेज है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, इस बात को ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट कि ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। जो आप पहले OMR जो गोले भरते थे वो इसमें काम इसमें नहीं होगा, इसमें जो भी काम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, तो इस बात को आप इसमें समझ जाइए। फिर दूसरी बात इसमें आप देखिए, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2018। तो टेंटेटिवली का मतलब क्या होता है, टेंटेटिवली का होता है संभवतः, और कच्चा कच्चा या संभवतः ये अप्रैल और मई 2018 को ये होगी, अप्रैल और मई 2018 को होगी। तो आपके पास में कितना टाइम बच गया, फरवरी है, मार्च है, और फिर अप्रैल और मई, मतलब 3 से 4 महीने का आपको समय यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे टेंटेटिवली क्यों लिखा हो गया है, कोई भी चीज़ है जैसे हम बोलते हैं कि भाई परीक्षा अप्रैल मई में हो जाएगी, और मान लीजिए किस कारणों से नहीं हो पाई, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है, तो इसलिए एक वर्ड लगा देते हैं टेंटेटिवली। कहने का मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ और अभी तक जो है संभवतः ये पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि ये अप्रैल और मई में हो, पर अगर हो जाए तो एक अलग बात है, पर अभी तो आपको जो समझना है इसमें संभवतः ये अप्रैल और मई 2018 में है। आप समझिए, तैयारी जो कीजिए अप्रैल और मई में ही होगी परीक्षा, उसके अनुसार आप इस तैयारी को कीजिए। बात समझ में आ गई। अब आप आगे बढ़ते हैं, डेट्स फॉर अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू RRB वेबसाइट। इसमें कहा है कि डेट तारीख अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कि जो ये प्रक्रिया है इसकी जो बाकी स्टेजेस की जो डेट होगी वो इंटीमेटेड की दी जाएगी। इंटीमेट मतलब क्या होता है, सूचित कर दी जाएगी थ्रू RRB वेबसाइट। जो डिफरेंट RRB बोर्ड है, चाहे आपके अजमेर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, आपका चेन्नई हो गया, इनके जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी वेबसाइट पे सूचित कर दी जाएगी बाकी जो चरण की जो आपकी परीक्षा होगी। अभी फिलहाल जो इन्होंने बताई है वो पहली स्टेज की चरण की परीक्षा की डेट बताई है, वो है अप्रैल और मई 2018 में वो लोग वो कंडक्ट करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं कि चीज़ समझते हैं। तो ये बात आपने समझ ली, पहला पॉइंट 5 मार्च को होगा, दूसरा ये ऑनलाइन होगा, और तीसरा ये हमने समझा कि ये परीक्षा जो है अप्रैल और मई में होगी, इसकी फर्स्ट स्टेज होगी, ये हमने समझा। और जो बाकी जो स्टेज है, अब बच्चे कई बार डाउट पूछते सर बाकी एग्जाम कब होगा, वो कब एग्जाम होगा, तो वो समझ लीजिए अभी वो चीज़ जो है डिस्क्लोज नहीं हुई है, ओपन नहीं हुई है, वो जब होगी आपको RRB की वेबसाइट से मालूम पड़ जाएगी, या फिर हम अपने ग्रुप में बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को बता देंगे। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस एंड टेक्नीशियंस। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जा रही है दोस्तों, इस बात को भी आप लिख लीजिए, ये मेरा 5वां पॉइंट हो रहा है।
ये समझिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन भरी जाएगी, ठीक है। कैसे भरी जाएगी? ये ऑनलाइन भरी जाएगी, ये ऑफलाइन नहीं भरी जाएगी, ये ऑनलाइन भरी जाएगी। तो ये पांचवा पॉइंट समझ लीजिए। फिर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली बिफोर 23/5/2018। फुल एप्लीकेशन भर के आपको ये एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। ये एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन सबमिट करनी है, सारा काम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है और कब? वही 5/3/2018। इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये जो बात है छठी बात कि ये काम ऑनलाइन है, और अगेन ये तो सेम चीज़ हो गई, पर ये आप समझ लीजिए एप्लीकेशन का काम जो है पूरा ऑनलाइन होगा। और ये कहाँ पे होगा? इनकी जो वेबसाइट है उस पे ये आपको डेटा मिलेगा, तो वो मैं आगे कवर कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, चीज़ों को लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस परीक्षाओं के माहौल में कई लोग जो है फालतू में रूमर फैलाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा कन्फ्यूज़न करेंगे। पर मैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल से आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी कागजात गवर्नमेंट पेपर पे ही विश्वास करें। और इसीलिए मैंने अपने आगे ऐसे कोई पॉइंट ना लिखते हुए ये जो ऑफिशियल जो पेपर है उसी को मैं डिस्कस करूँगा, और आगे भी मैं जो भी डिस्कस करूँगा वो ऑफिशियल चीज़ को ही डिस्कस करूँगा। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट सूचनाएं जो दी जा रही है वो हम पढ़ते हैं। अब देखो, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, छठा पॉइंट समझो। छठा पॉइंट ये बोल रहा है कि जब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन सबमिट करने की जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो अभी क्या है? वो है आपकी 5 मार्च है। 5 मार्च तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपके पास में, जो हम आगे पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो अभी आपके पास में होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, छठी बात। फिर सातवीं बात है, बहुत लोगों के लिए खतरा है, बहुत लोगों के लिए झटका लगेगा, उसको आप समझिए। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो कैंडिडेट्स जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आगे पढ़ेंगे, वो अप्लाई ना करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जहाँ तक मेरी समझ है इसका यही मतलब है। आगे अगर कुछ और बात होती है तो मैं इसको सुधार कर दूंगा, पर जहाँ तक इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो मतलब जैसे कि ITI मांगी गई है, तो ITI मांगी गई है तो इस तारीख में, मतलब 5 मार्च 2018 तक आपके पास में उसका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे भी आने वाली है, तो आप इसके जो है फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात को आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ वो आगे वो चीज़ ये आपकी फेल हो जाएगी। और मैं भी जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको, आप जो बच्चे अपेयरिंग पे है, रिजल्ट उनके नहीं आए, तो भी वो फॉर्म तो इसको भर दें और इस पहली स्टेज को वो करें, जिससे उनको एग्ज़ाम का आइडिया हो सकता है। बाद में आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो एक अलग बात है, पर इस फॉर्म भर के थोड़ा आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं, तो वो आप चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको रिजल्ट, बच्चे काफ़ी बोल रहे थे और जो हमारे भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी काफ़ी बोल रहे थे कि सर हम ये कोर्स जो है तो एग्ज़ाम हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये सारी बातें चल रही थी। बट यहाँ पे इन्होंने देखो अंडरलाइन में क्लियर कर दी है कि अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को तो भर सकते हो, एक अलग चीज़ है, बट आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं होंगे। मतलब बाद में भी जो उनको मालूम पड़ेगा कि 5 मार्च उनके पास रिजल्ट नहीं था, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर हाँ, अगर आप अपने, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ हल्का सा, कि अगर आप देना चाहे फॉर्म, भरना चाहे तो भर दीजिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो। बस मैं यही इसमें कहना चाहूँगा आपसे, और आधारिक तौर पे नहीं कह रहा, बस मैं अपनी रिकमेंडेशन रख रहा था। पर आधिकारिक रूप में, ऑफिशियल रूप में तो ये है कि आप इसमें जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे। सिलेक्शन में अगर आपने पा लिया तो आपको आगे वो लोग नहीं बढ़ाएंगे जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पैरा 19.0 ओनली।
जो ये एप्लीकेशन है आपको आरआरबी की जो वेबसाइट्स है, आरआरबी की जो बोर्ड्स की जो वेबसाइट है, चाहे अजमेर हो गया, चाहे सिकंदराबाद हो गया, चाहे चेन्नई हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, वहीं से आप इनके एप्लीकेशंस को भरेंगे। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट लिंक हो उस पर मत जाओ। आरआरबी चेन्नई सर्च करो, आरआरबी सिकंदराबाद सर्च करो, आरआरबी की वेबसाइट ही पर ही जाओ आप। कोई भी ऐसे नहीं, कोई भी वेबसाइट है आपने सर्च करी गूगल में और वहाँ से आपको कहीं भी ले जा रहा है, आपसे डिटेल मांग रहा है, कोई मतलब नहीं है। है जब सुविधा तो उसमें करो। और पैरा 19 में बाकी जो वेबसाइट का नाम है वो मैं आपको बता दूंगा, आप भी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिर ये हो गई हमारी आठवां पॉइंट, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से बढ़ना है आपको? ऑनलाइन एप्लीकेशन आरआरबी की वेबसाइट से ही बढ़ना है। वन एप्लीकेशन ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर द ऑल नोटिफाइड पोस्ट इन दिस CEN। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाइन्थ, कि ओनली एक ही आपने आवेदन भरना है, एक ही एप्लीकेशन भरना है सभी नोटिफाइड पोस्ट इन दिस CEN। ये जो इस जो नोटिफिकेशन है इसमें टेक्नीशियन की भी मांगी गई है, लोको पायलट की भी मांगी गई है। तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, लोको पायलट की अलग भर देंगे, उसकी अलग भर देंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने एक ही आपने भरना है। क्या भरना है? आपने सिर्फ एक ही एक भरना है, एक ही एप्लीकेशन भरना है। एनी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN शैल रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिबारमेंट। यहाँ पे मैं एक और बात आपको कह दूँ, इम्पोर्टेंट बात। कई बच्चे जो है अलग अलग बोर्ड से भी भरते हैं, सोचते हैं कि भाई अजमेर बोर्ड भर देंगे और आपके रांची बोर्ड भी भर देंगे, पटना बोर्ड भी भर देंगे, तीन चार बोर्ड से उन लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव ये है, इसमें भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भरें, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आप इससे निरस्त हो जाओगे इस प्रोसेस से। तो आपको मतलब एग्ज़ाम आगे नहीं दिया जाएगा, डिबारमेंट कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आप एक ही एप्लीकेशन एक फॉर्म भरें, इस बात को आप ध्यान रखें। लालच में मत आएँ, इस बात को समझें कि गड़बड़ होने पे अगर रेलवे वालों को मालूम पड़ा तो आपको डिस्कार्ड कर देंगे, इस बात को समझिए, ठीक है। तो नवा पॉइंट भी मैंने आपको इसमें बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें कहने का मतलब ये है, आपकी योग्यता जो है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे उसके रेफरेंस में ही रेलवे वाले उसको लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इसमें, कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म में, जो आप एप्लीकेशन में जो डेटा भरेंगे उसी के रेफरेंस में जो है रेलवे उसको समझेगा, तो ये फुल एंड फाइनल है। मतलब कहने का मतलब ये है। और आगे ये लोग लिखते हैं, इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर इट इज़ फाउंड दैट एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज हर एप्लीकेशन इज फॉल्स इनकरेक्ट और द कैंडिडेट हैज सरप्राइज एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और द कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट हिज हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड फॉरथविथ। यहाँ पे पता है क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी प्रोसेस में, इफ एनी स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट, किसी भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में और देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। कहने का मतलब है कि अगर आपने सिलेक्शन भी ले लिया और आपकी नौकरी भी लग गई, और नौकरी लगने में भी अगर आपको ये पाया गया कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करी थी, तो यू विल बी इन ट्रबल। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। सो ये बात समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, और ये पाया गया कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन छिपाई है या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो आपकी जो ये प्रक्रिया है, आपकी जो इवन जॉब नौकरी भी लगेगी ये, वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रखे वो गलत ना रखें, कभी ना कभी पकड़ी जा सकती है वो चीज़, ठीक है। मे बी एज का आप करो, कुछ भी ब्लंडर करो, तो ऐसा मत करो। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है वो ही इसमें आप रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ जाइए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो इसको भी ध्यान में लेना। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है सही डालनी है, और एक ही बार डाली जाएगी, गलती से भी डाल दिया आपने तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना। फिर दूसरी बार, और इसमें मतलब फिर बाद में ये चेंज नहीं होगा, एक बार डाल दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद चेंज नहीं होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखे, जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड बताए गए हैं, मान लीजिए लोको पायलट के हिसाब से अलग बताए गए हैं, टेक्नीशियन हिसाब से अलग बताए गए हैं,
उन मापदंडों पे आप जो है खरे उतरने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में अभी से ही रखना है। ये दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड का जो है, आप जिसे कोई भी है आसपास आपके कोई डॉक्टर हो जिसको आप जानते हो, या फिर ऑप्टिशन हो अगर, तो आपका 6x6 लेंस वगैरह जो भी है तो वो सिर्फ आप दिखा लेना, मालूम कर लेना। और आगे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ही, पर अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं अभी आप समझ के चलो, है ना, ऐसी नहीं बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए एक एक लाइन पढ़ना ज़रूरी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्केल ऑफ पे जो है वो लेवल 2 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स विद इनिशियल पे ऑफ ₹19,900 प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल। इसका मतलब ये है कि जो 7th आपका जो वेतन आयोग आया है उसके अनुसार आपकी पेमेंट होगी, और इसमें बेसिक जो है स्टार्टिंग जो है वो 19,900 से आपकी, प्लस आपको जो बाकी अलाउंस मिलेंगे उससे होगा। तो ये बात आप समझ जाइए, स्केल ऑफ पे है, ये सभी कैटेगरीज के लिए लिखा हुआ है, मतलब ये कॉमन है, ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए अभी कॉमन ही है। अलाउंस जो है वो टेक्नीशियन के, लोको पायलट के अलग हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट ये बात मैंने आपसे कह दी स्केल ऑफ पे क्या है। अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चों को बहुत टेंशन में आ गए बच्चे जिस कारण से, 10वां पॉइंट उसको हम डिस्कस करते हैं। एजेस, एज के बारे में, उम्र के बारे में बताया गया है और रेफरेंस दिया गया है 1/7/2018, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 7वां महीना, मतलब जुलाई, 1 जुलाई को आपकी डेट क्या थी, आपकी जो एज है वो क्या है, 1 जुलाई 2018 को जो आपकी एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 18 से 28 ईयर होनी चाहिए। तो बच्चों को जो पहले बच्चे, एक चीज़ भी है और कई बच्चों का फ़ोन भी आ रहा है, कई बच्चे परेशान भी हो रहे हैं कि सर पहले तो 30 साल था, 18 से 30 था, अब 4 साल बाद तो वैकेंसी निकली 2014 के बाद में, और अब आप बोल रहे हो कि भाई 2 साल आपने एज और घटा दी है। तो जो बच्चे तैयारी की फिराक में थे, तैयारी की उसमें थे, हुक में थे, उनके साथ यहाँ पे एक ज़रूर अन्याय हुआ है, और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने एज को काफ़ी कम कर दिया है, इसमें 2 साल घटा दिया है, तो काफ़ी जो एक गैप था बच्चों का, जो एज गैप था 2 साल वाला, ये बच्चों को जो है मैटर कर रहा है। तो मे बी इसके बारे में आगे डिसीजन अगर हो सकता है तो हो, बट मुझे लगता है कि उसमें कुछ चेंज आएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट बॉडी रेलवे है और वो जैसा चाहेगी, वो जैसा उसके मापदंड होंगे उसके अनुसार ही होगा। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, जो डिफरेंट एजेस पे या डिफरेंट जो कंडीशंस पे, या फिर एक्स सर्विस मैन है और विकलांग, इसमें अलग दिव्यांग, तो उसमें अलग अलग होती है, तो ये वाली मैंने भी बात आपसे कही। अच्छा, यहाँ पे आप जो है डेट का समझ गए आप कि 1 जुलाई 2018 के रेफरेंस में, कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आज की डेट के हिसाब से है, कब की फॉर्म भरने की डेट के हिसाब से है, तो जो रेफरेंस है वो क्या है आपका, 1 जुलाई 2018, और इसके अनुसार ये कि आपकी जो एज है वो 18 से 28 होनी चाहिए है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 1 जुलाई 2018 को 18 साल के नहीं हो पाए तो इस आपको नहीं दे सकते, और अगर 1 जुलाई 2018 को आपकी एज, आपकी उम्र 28 साल को पार कर जाती है तो भी आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जो एज रिलैक्सेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे बात है स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, देयर शैल बी 2 स्टेजेस एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेज CBT एंड सेकेंड स्टेज CBT कॉमन फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। इन एडिशन कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP एंड क्वालिफाइड इन सेकेंड स्टेज CBT हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्चुअली, एंड मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी है, टेक्नीशियन है और ALP है, तो जो इनकी जो 2 स्टेज जो रहेगी आपकी, इसको मैं रब कर रहा हूँ, जो 2 स्टेज रहेंगी आपकी, पहली और दूसरी, वो कॉमन है, पहली और दूसरी जो स्टेज है वो ALP और टेक्नीशियन के लिए कॉमन है, पर जो लोको पायलट की जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट और देना रहेगा, वो एक थर्ड उनका स्टेज रहेगी। मतलब टेक्नीशियन के लिए तो कितनी स्टेज है, 2, और लोको पायलट के लिए कितनी हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी वो होगा। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा वो वही दे पाएंगे, इसमें क्या होता है डिफरेंट
फेजेस हैं, मतलब पहले में पास हुए तब दूसरी फेज में जाएंगे, दूसरे में पास हुए तो भी आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में बैठने की अनुमति मिलेगी। तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखिए। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ओनली फॉर लोको पायलट के लिए है। अरे यहाँ पे दूसरी बात जो है CBT, यहाँ भी बच्चों ध्यान रखो कि जो आपकी पहली स्टेज है और दूसरी स्टेज है ये दोनों आपकी ऑनलाइन है, इस बात को भी आप ध्यान रखो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा जैसे और एग्जाम में होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहने वाला है, रिटर्न इसमें नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा, इस कॉमन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये भी हमारी चीज हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है सिलेक्शन ऑफ RRB एंड स्टेज के बारे में आपने पढ़ लिया। सिलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट, RRB का जो बोर्ड है आप सिलेक्शन करेंगे अपना वो, और प्रेफरेंस फॉर पोस्ट उसके बारे में हम इस सातवें पॉइंट में पढ़ेंगे। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द RRB वेबसाइट RRB वाइज रेलवे ऑल्स वैकेंसी इंडिकेटेड इन दिस CEN आर प्रोविजनल एंड दीज मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो भी वैकेंसीज इन्होंने आगे बताएंगे कि भाई इतनी वैकेंसी इस बोर्ड में, इतनी वैकेंसी इस बोर्ड की है, ये प्रोविजनल है जो अभी एज फॉर नाउ उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बट लेटर ऑन बाद में इफ़ इट चेंजेस तो उसके हिसाब से वो वैकेंसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस बात को आप इसमें ध्यान रखें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं इसमें, अकॉर्डिंगली RRB विल पब्लिश अपडेटेड वैकेंसी टेबल ऑन देयर वेबसाइट इंडिकेटिंग द RRB वाइज वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड पोस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज CBT। तो पहली स्टेज हो जाने के बाद में वो बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो वैकेंसीज जो है उसको और अपडेट कर देगी वैकेंसी टेबल को। कैंडिडेट्स हु सिक्योर मार्क्स इक्वल टू और अबव द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स prescribed for various communities categories refer para 13.1 in the first stage CBT shall be advised to exercise their option for RRB and preference of railways and post within the chosen RRB. तो इसमें यह है जो पहली स्टेज जो अब आपकी पार हो जाएगी और आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप कर लोगे तो उसके बाद में यू आर एडवाइज टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर RRB एंड प्रेफरेंस फॉर ऑफ रेलवे एंड पोस्ट विद इन द चूजन RRB। तो इसका मतलब पता है क्या समझ रहे हैं, जहाँ तक मेरा इसमें अनुमान है, मैं जहाँ तक समझाऊँ इस बात का, ये बोल रहा है कि पहली स्टेज के बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सी RRB की तो बोर्ड में जाना है आपने और कौन सी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी, वो आप सेकेंड स्टेज में आप बताओगे, ठीक है। तो मतलब सेकेंड स्टेज के एग्जाम के बाद, मतलब पहली स्टेज हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके ज़्यादा या बराबर होंगे, उसके बाद में आपने अपनी जो है वो बतानी है कि भाई मेरे को इस वाले बोर्ड में चाहिए और ये मेरी प्रेफरेंस है, मतलब मैं टेक्नीशियन प्रेफर कर रहा हूँ लोको पायलट या लोको पायलट प्रेफर कर रहा हूँ टेक्नीशियन, वो आपने तब बतानी है। दीज कैंडिडेट्स मे स्टडी द अपडेटेड वैकेंसी टेबल एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑनलाइन एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर वेरियस पोस्ट। तो जब ये पहली स्टेज के बाद में इन लोग वैकेंसी टेबल को फिर अपडेट करेंगे, मे बी सेम रहे मे बी चेंज रहे, तो उस वैकेंसी टेबल में के को पढ़कर आपने अपनी बोर्ड की प्रेफरेंस और अपनी जो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो आपने देनी रहेगी, तो उसके अनुसार वो उसको करेंगे, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे यह है, इट मे बी नोटेड, जो भी चीज़ बोल्ड में रहती है ना वो मतलब जरूरी, मतलब काम की होती है ज़्यादा ही, मतलब आपको वहाँ पे समझना है चीज़ को। इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन RRB एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ रेलवे यूनिट्स एंड पोस्ट अगेंस्ट वैकेंसी नोटिफाई फॉर द चूजन RRB ओनली। इस बात को आप समझ लीजिए, कई बच्चे यहाँ पे करते हैं लालच, तो लालच आपने यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारी जो बात है कि आपने एक ही RRB चूज़ करनी है, एक ही RRB आप चूज़ कर सकते हो, एक ही बोर्ड चूज़ कर सकते हो, आप जहाँ भी रहना चाहते हो
आपके मे भी बच्चे जो है दो प्रकार से इसको चूज़ करते हैं, एक तो ये कि घर के पास क्या है मेरा, और दूसरी बात है कि भाई कंपटीशन जहाँ पे कम हो, तो दोनों ही बच्चों का रहता है। जो भी आपकी समझ हो, देखिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर बस ये बात जो इस पर लिखी गई है कि एक ही RRB करनी है आपने, और उस RRB के अंदर जितने भी पोस्ट है, जितनी भी जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसी के अंदर देनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को इसमें अजमेर में तो लोको पायलट की चाहिए और रांची में उनको टेक्नीशियन में, वो पॉसिबल नहीं है। एक ही RRB के अंडर आपने ये प्रेफरेंस पोस्ट की लेनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ चूजन RRB है, एक ही RRB बोर्ड चूज़ करना है और उसमें ही पोस्ट बतानी है। तो ये क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कैंडिडेट सबमिट देयर ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक RRB रेलवे एंड पोस्ट, RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स, मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पता है क्या कहा गया है कि जब आपने ये शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकेंड CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स अपडेटेड वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होगी उसके 15 गुना वो इस सेकेंड स्टेज में जो है सिलेक्शन करेंगे। कहने का मतलब ये है, इस बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़, यहाँ जी हाँ 1 करोड़ लगभग इस फॉर्म को भरेंगे जहाँ तक अनुमान है, और उस 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ से थोड़ा कम ही होगा बट इतना ही पहुँचेगा ये, तो पहली स्टेज तो देखिए हर कोई भरेगा इसमें, है ना, तो फॉर्म तो हर कोई भर देगा। अब 1 करोड़ लोग जब इस फॉर्म को भरेंगे पहली स्टेज में, उसके बाद जो छटनी होगी तो उसमें कितने लोगों को सिलेक्शन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 27,000 की अभी वैकेंसी अभी बोल रहे हैं, मान लीजिए अगली बार 30,000, उस समय जब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं यार 30,000 लोगों की हमको रिक्वायरमेंट है, तो वो 30,000 गुना 15 यानी कि कितना हो गया, 450,000 हो गया। तो 450,000 लोगों को वो बिठाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर 30,000 वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है उनको, तो उसका 15 कर देंगे वो, ठीक है, यानी कि 450,000 को वो सेकेंड स्टेज में बिठाएंगे। तो 15 गुनी ऑफ द दिस जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी 30,000 है तो 30 गुना 15, 40 है तो 40 गुना 15, 25 है तो 25 गुना 15 सेकेंड स्टेज में आप लोग बैठेंगे। और जो असली कंपटीशन जो होने वाला है वो सेकेंड स्टेज में होने वाला है, पहली स्टेज में तो फिल्ट्रेशन होगा, छलनी से छाना जाएगा जो रियली में कैंडिडेट ठीक ठाक है, फिर उनको सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा, और फिर सेकेंड स्टेज से फिर उसको दो भागों में बच्चे बटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज में जो बैठेंगे बच्चे, तो जहाँ तक अनुमान है वो 450,000 बच्चे इस टेस्ट में बैठने वाले रहेंगे। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, मतलब 15 टाइम जो भी वैकेंसी होगी उसको गुना करना है, फॉर्मूला इन्होंने बता दिया, अब जो भी है वो उस समय की जो वैकेंसी होगी उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 8वां पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट CBT, द RRB वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी एडवाइज थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB एज वेल एज द पर्सनल कम्युनिकेशन टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू द डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर फॉर अपेयरिंग इन द सेकेंड स्टेज CBT। दोस्तों अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर यह अभी इस वीडियो का पार्ट 1 है, और बाकी पार्ट्स पार्ट 2 अभी अपलोड अलग से कर रहा हूँ मैं, तो अभी पहला पार्ट आप देख लो, और जो इसका जो बाकी पार्ट्स है जो इस YouTube चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हो, और नहीं तो हमारी वेबसाइट theory2practical.com में आप देख सकते हो, और अदरवाइज़ आप जो मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया था स्टार्टिंग में 8003378523 पे आप कर दीजिए नोटिफिकेशन, प्लीज़ सेंड मी नोटिफिकेशन कम्प्लीट वीडियोज़, कृपया मुझे नोटिफिकेशन की जो आपके एनालिसिस है उसकी कंप्लीट वीडियो भेजें, तो हम लोग आपको वो लिंक प्रॉपर भेज देंगे। तो ये पहला वीडियो आपने वॉच कर लिया, अब दूसरा वीडियो अब आप वॉच कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।